ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दौड़ती ये हैं सोलर पावर्ड गाड़ियाँ। वैसे तो इस तरह की गाड़ियाँ आप आमतौर पर नहीं देखते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये खास तरह की रेस हुई जहाँ पर सोलर पावर्ड गाड़ियों ने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब ये किस तरह से खास है जरा ये समझिए। ऑस्ट्रेलिया में सोलर पावर्ड गाड़ियों को लेकर अब प्रयोग हो रहा है। प्रयोग ऐसे कि किस तरह से सोलर पावर्ड गाड़ियों की मदद से ईवी गाड़ियों की तकनीक और माइलेज दोनों को बढ़ाया जाए, इस पर काम हो रहा है। इन गाड़ियों में खास तरह के चक्के लगे हैं जो कि 63% रिसाइकल मटेरियल से बने हैं। इसके अलावा जब ये गाड़ियां 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी तब ये डार्विन से एडिलेड जाएंगी, यानी नॉर्थ से साउथ ऑस्ट्रेलिया, और वो भी सिर्फ सोलर पावर पर। ऐसे में सुनने में थोड़ा अजीब है और मुश्किल भी, पर ऐसा इस रेस में होने वाला है। इन गाड़ियों की बनावट को कुछ ऐसा रखा गया है कि इन पर किसी भी हवा का दबाव ना आए, और इन गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि अंदर ठंडा रखने के लिए कुछ खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 10 डिग्री तक कम रहता है। ऐसे में ड्राइवर को आसानी होती है और वो गाड़ियों को अच्छे से ड्राइव कर पाता है। ये गाड़ियां बेहद हल्की हैं और खास तरह के एरोडायनामिक डिजाइन के मदद से इन्हें तैयार किया गया है। इनकी डिजाइन इन्हें और भी खास बनाती है ताकि ये फर्राटेदार स्पीड से सड़कों पर दौड़ पाती हैं। आमतौर पर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है, लेकिन ये गाड़ियां अब 800 से 900 किलोमीटर एक बार में जा सकती हैं। ऐसे में इन गाड़ियों की मदद से ईवी के भविष्य पर भी बात हो रही है कि किस तरह से ईवी के रेंज को बढ़ाया जाए। इन गाड़ियों के ऊपर आपको सिर्फ सोलर पैनल दिखाई देंगे, हर तरफ सोलर पैनल जो हैं वो इन गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ने में मदद करते हैं। अब ऐसे में किस तरह से ईवी को लेकर ऑस्ट्रेलिया बदल रहा है उसकी ये निशानी है। उसके अलावा बात करते हैं इन गाड़ियों में लगे खास टायर्स के बारे में जो कि तकरीबन 63% रिसाइकल मटेरियल से बने हुए हैं। ये चक्के कम रोलिंग फ्रिक्शन पैदा करते हैं जिससे ये गाड़ियाँ कम पावर में चल पाती हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो इन गाड़ियों को चलने के लिए एक हेयर ड्रायर जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसकी मदद से आसानी से सड़कों पर सरपट दौड़ पाती हैं। अब जिन रास्तों से होकर इन्हें गुजरना है वहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी होते हैं। ऐसे में चुनौती थोड़ी ज्यादा है, पर ये गाड़ियां अपने अंतिम सफर तक पहुंच जाएंगी। इस इवेंट में इन गाड़ियों के साथ साथ ईवी टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि ईवी की जो रेंज है और ईवी को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए इस पर भी बातचीत हो रही है। जिस खास टायर का इस्तेमाल किया गया है वो ब्रिजस्टोन का प्रोटोटाइप है, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग यहाँ होने के बाद आगे आने वाले ऑटोमोबाइल के भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा और आगे आने वाले वक्त में ईवी गाड़ियों की रेंज हम ज़्यादा देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।